डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक ओडिशा एस एस बी लेक्चर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जिसका एग्जाम कल हुआ है और मुझे बताया गया है कि शायद छ तक इसे चैलेंज करनी है और यहाँ पे इससे पहले कि हम इसको शुरू करें एक बात मैं जरूर ग्रेटिट्यूड के तौर पर कहना चाहता हूँ कि मैंने ये टाइम स्क्वीज किया है ऑफकोर्स जो इम्पॉसिबल मेरी शेड्यूल है ओनली बिकॉज ऑफ माई लविंग ओडिशा स्टूडेंट्स मुझे तो सभी स्टूडेंट से प्यार मिला है लेकिन कुछ ज्यादा ओड़ीसा आई डोंट नो वाई लेकिन चाहे वो सी पी यू टी हो एस एस बी हो चाहे सेट हो वहाँ के स्टूडेंट से खासा मुझे एक तरह से मैंने ज़्यादा लगाव महसूस किया है और कुछ वन ऑफ द मेरे फेवरेट जो अभी जो स्टूडेंट हैं हर बैच में बदलते हैं वो उड़ीसा से हैं तो मैं उनकी बात कभी टाल नहीं सकता इसलिए मैंने कल रात देर तक जो है मैंने पेपर को देखा और ये भी खोजने की कोशिश की कि कौन से क्वेश्चन को चैलेंज की जा सकती है मैं बताऊंगा ऑफ कोर्स इसमें जितना रिसर्च करना चाहिए था पॉजिटिव टर्म्स टाइम से मैंने उतना तो नहीं किया है कुछ क्वेश्चन पे खोजने के लिए और कुछ आपके लिए भी छोड़ा है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि काफी फायदा होगा मेरे उन स्टूडेंट को जो ये जानने को बेताब हैं कि किस क्वेश्चन को चैलेंज वो कर सकते हैं एज पर द ऑफिशियल आंसर की एंड सभी को फायदा होगा बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करीब सेवेंटी क्वेश्चन ऐसे जो हर कंपटीशन में आते हैं यूजीसी नेट हो चाहे इवन सी ओ टी पी जी हो कोई भी सेट हो या कोई असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो सो अस बिगिन ओडिशा एस एसबी फॉर लेक्चर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री पॉलिटिकल साइंस एनालिसिस एक्सप्लेनेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन एज यूजुअल लेट्स बिगिन और ये एक दो इंफॉर्मेशन आपको पता है मैं देता हूं क्योंकि कई क्यों मेरे स्टूडेंट अभी भी उनको पता नहीं होता है और वो इससे वंचित रह जाते हैं फायदा उठाने से तो यदि आप मॉक टेस्ट सीरीज दिसंबर 23 साइकिल के ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें एक पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है जो फर्स्ट दिसंबर को हुई है सेकेंड पेपर कल होने वाली है और थर्ड मॉक टेस्ट जो है मे बी अगले चार पाँच दिनों में होगी यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं और इसके अलावा सारे जो प्रीवियस टेस्ट पेपर आपको प्रैक्टिस के तौर पर मिलते हैं एट नॉमिनल कॉस्ट तो आप मेल कर सकते हैं इस मेल आई पे पॉल साइंस हेल्प बहुत ईजी स्पेलिंग है आपके फेवरेट सर का पॉल साइंस हेल्प एट द रेट जी मेल बस इस पे आपको जो है करना है मेल अपने नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर का एंड यू विल बी गाइडेड और यदि आप रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं तो अब तक तो कई लोगों को पता होगा कई लोगों को नहीं भी पता उनके लिए यूजीसी नेट एग्जाम गाइड जो है वो आ, इंस्टा मोजो पे है जहां पीडीएफ फॉर्म में मिलती है बेस्ट 1000 थाउजेंड एमसी क्यू फॉर यूजीसी नेट एंड एस एस बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर ये एमेजन पे है जिसकी लिंक यहां पे दी गई है और ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस ऑल टाइम फेवरेट बुक है फॉर एनी पॉलिटिकल साइंस एम सी क्यू बेस्ड एग्जाम के लिए जो एमेजन पे है तो इन सबको आप इसका फायदा उठा सकते हैं एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट चलिए अब क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू उससे पहले कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन ये पेपर जैसा मैंने कहा कि अच्छा पेपर है आ, लेकिन इसमें है कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कुछ तो सेटर ने थोड़ी सी आ, आ, कम मेहनत की है तो कई जगह पहला ही क्वेश्चन आपको जैसे मैं बताऊंगा और कहीं पे इन्होंने जो बहुत ज्यादा जो कोट ये किसने कहा वो किसने कहा ये बहुत आसान होता है पूछना और डिफिकल्ट होता है जवाब देना उसका इन्होंने सहारा लिया है बिना ज्यादा दिमाग दिए हुए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है मतलब कि कोई ऑप्शन ऑफ ऑप्शन कम है लेकिन क्विज के तौर पर है और कई जो है करीब मुझे लगता है पंद्रह क्वेश्चन के आसपास अर्बिट है और जो हो भी सकता है तो मुझे लगता है कि मेन जो कंपटीशन होगी वो 80 मार्क्स के अंदर होगी और उसमें जो 70 लाते हैं वो डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे 70 टू 80 और 60 टू 70 में भी ऑन मार्जिन विद दिस चलिए मैं मैं क्वेश्चन मार्क यदि लगाता हूं इसका मतलब ये होगा कि उस क्वेश्चन पे आपको थोड़ी संदेह होना चाहिए और आपको और रिसर्च करना चाहिए जहां मैं, मैं बिल्कुल डेफिनेट हूं मैंने कहा है चैलेंज और वहां पर मैं बताऊंगा सर क्या सही आंसर होना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन ही जो है खासा कंफ्यूजिंग है आइडेंटिफाई फ्रॉम बिलो द पर्सन हु मेड कंट्रीब्यूशन फॉर द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक थ्योरी अब ये कैसा क्वेश्चन है कि इसमें से एक आदमी को चुनने कह रहे हैं एक थिंकर को जिसने कि पॉलिटिकल थ्योरी की इवोल्यूशन में जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन और सबका है सोक्रेटिस का है प्लेटो एरिस्टॉटल में कौन कह सकता है नहीं तो ये क्वेश्चन खुद ही चैलेंज कह सकता है कि भाई आप ऐसा कैसे पूछ सकते हो इसमें एक आंसर नहीं हो सकता है लेकिन चलो फिर भी यदि हम इसको ऐसे कन्वर्ट करें कि इन सब में सबसे ज्यादा किसका है पॉलिटिकल uh, थ्योरी में तो ऑफ कोर्स एरिस्टोटल का माना जाता है और उन्हीं को सबसे ज्यादा अधिक रेफर भी uh, किया गया है तो इसीलिए इसको uh, हम लोग कह सकते हैं एरिस्टोटल। सेकेंड क्वेश्चन तो इसको मैं कहूंगा मत चैलेंज कीजिए इनको माफ कर दीजिए सेकेंड इन द एरा ऑफ बिहेवियल इवोल्यूशन इन पॉलिटिकल साइंस एंड फ्रॉम बिलो द स्कॉलर हु पाइन द यूज ऑफ क्रॉस नेशनल क्वांटिफिकेशन डेटा

और जिन्होंने लिपसेट के साथ दिया था तो और यही इसका सही आंसर और ठीक भी है वैसे मैं आपको बता दूं कि इन्होंने भी बटलर ने भी काफ़ी वोटिंग बिहेवियर पे काम किया है डोनाल्ड स्टोक के साथ उन्होंने बुक भी लिखी है तो लेकिन इसका सही आंसर बिकॉज ऑफ दिस सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन क्लास रिलीजन एंड रीजन और उसका क्या असर पड़ता है वोटिंग बिहेवियर पे और पार्टी सिस्टम पे ये स्टीन रोकन ने दिया है तो क्यों ना यहाँ पे याद कर लीजिए कि सोशल सोशल क्लीवेज थ्योरी है क्लीवेज

Uh, इन्होंने कई तरीके से अलॉन्ग विद जॉन रॉल एंड मेनी अदर इन्होंने नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरीज को रिवाइव करने में काफी जो है योगदान दिया है तो ये सही है हु एवंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो इसमें देखेंगे नॉट एसोसिएटेड विद तो लास्टलेट ने तो डेथ डिक्लेयर कर दिया था मैंने यहाँ लिखा भी है डेविड uh, इस्टन तो um, um, आपको पता है अभी मैंने बताया डहल भी तो केवल एक जीन ब्लॉन्डल बच जाते हैं जो इससे एसोसिएटेड नहीं है कि उन्होंने डिक्लाइन कोई घोषणा की थी पॉलिटिकल थ्योरी की आई होप कि यहां आप डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी डिबेट को आप अच्छी तरह जानते हैं मैं यहां एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मेरे कई वीडियो में है उसको आपको समझना चाहिए हु ऑथर्ड पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है हटिंगटन इस बुक के लिए जाने जाते हैं ये उनका मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी की बुक है आपको पता है डेवलपमेंटल एंड मॉडर्नाइजेशन थ्योरी नाइनटीन में यूएसए के का एक तरह से कंटेनमेंट थ्योरी का पार्ट बन गया था थोलिटिकल पार्ट की कैसे कम्युनिज्म को थर्ड वर्ल्ड में रोका जाए और कैसे जो है थर्ड वर्ल्ड को डेवलप बनाया जाए उसके लिए डेवलपमेंटल डेवलपमेंटलिज्म एंड मॉडर्नाइजेशन थ्योरी आई उसमें से सैमुअल हटिंगटन की जो का योगदान इस बुक के फॉर्म में था पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी हु सेड मॉडर्न डेमोक्रेसी और पॉलियार्ची तो पॉलियार्ची वर्ड सुनते ही रॉबर्ट डहल का आपको ख्याल आना चाहिए मेरे सभी स्टूडेंट इसको जानते हैं और क्या होती है पॉलिर्ची मतलब जहां पे कि एक तरह का प्रूरल डेमोक्रेसी जहां पावर जो है एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं होकर के डिफरेंट ग्रुप कम्युनिटीज एंड डिफरेंट संस्थाओं में बटी हुई होती है और पीपल जो इंडिविजुअल होता है वो सीधा डायरेक्टली वोटिंग के थ्रू भी और अपने कम्युनिटी के थ्रू भी जो है डेमोक्रेटिक राइट एंड रिस्पांसिबिलिटी का निर्वाह करता है हु ऑब्जर्व निगेटिव लिबर्टी सुपीरियर टू पॉजिटिव लिबर्टी जब भी आपको निगेटिव वर्सेज पॉजिटिव लिबर्टी आया और उसमें निगेटिव लिबर्टी को ऊपर रखने की तो आ, का आपको ध्यान आना चाहिए हु रेफर टू हिमसेल्फ एज द लास्ट क्वेश्चन जो है मैं इसको बोलूंगा डिफिकल्ट डी मैं लगाता हूं डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग कि ऐसा कहने वाले जो है अगेन यूरगर मार्स दूसरी बार आपको जो है दिख रहा है क्यों इन्होंने कहा ये नेट आप जाके पढ़ सकते हैं बहुत सारे कारणों से इन्होंने अपने को लास्ट मार्क्सिस्ट कहा है थोड़े से उससे प्रभावित भी उनके विचारधारा से हैं ल थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म जैसे ही आप पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म देखते हैं ये थेसिस ये बुक हॉप्स लॉक को ऐसा कहने वाले जो कैनेडियन मार्क्सिस्ट विचारधारा के सी वी मैकफर्सन का आपका ध्यान आना चाहिए और वही सही आंसर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड एज ए क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म तो जो इलीड थ्योरी है वो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किसके अगेंस्ट था तो ये यह, यहां आपको बताया भी जा रहा है क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म के अगेंस्ट यूरोप में खास करके साउथ सेंट्रल यूरोप में इटली से जो है इलीट थ्योरी का एक एक तरह का इवोल्यूशन होता है उसमें आपको पेरेटो मोजका एंड मेनी अदर थिंकर रॉबर्ट माइकल्स एंड ऑल जो है वो देते हैं इलीट थ्योरी इलीट थ्योरी मतलब कि एक सोसाइटी जो है बेसिकली दो भाग में बटी हुई है बहुत माइनॉरिटी इलीट जो कि एक्चुअली शासन करते हैं और से जिनके नाम पे वो शासन करते हैं इलीट थ्योरी हु व्यूड जस्टिस एज प्रप्रोशनेट इक्वलिटी ये मेरे स्टूडेंट्स सभी जानते होंगे क्योंकि मैंने कितनी बार ही बताया है एरिस्टॉटल यही उनका जस्टिस था जस्टिस इज प्रपोशनेट इक्वलिटी मीन्स कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वल अनईक्वल शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वल जैसे कि यदि मैं हमेशा कहता हूँ एक फेमस एग्जाम्पल दस लोग दौड़ रहे हैं चार के पास जूते नहीं हैं और चार के पास जूते हैं तो आप सबको एक दौड़ में नहीं दौड़ा सकते दिस इज नॉट प्रप्रोशनेट इक्वलिटी प्रप्रोशनेट इक्वलिटी को का दूसरा वर्ड है इक्विटी जिसको जितना चाहिए उस तरीके से डिफरेंशियल इक्वलिटी कैपिटलिज्म इज प्राइमरी कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ये किसने कहा था और ये तीसरी बार जो है आपको ह्यूगन कहा जाता है ह्यूगन ह्यूगन हुर, हैब्रमास आपको आते हैं तीसरी बार इतनी ही ग्यारह नंबर क्वेश्चन में इनसे खासा प्रेम है इस सेट के पेपर को हूगन हैब्रमास से

हु डिफाइन पॉलिटिकल कल्चर एज अ सेट ऑफ एटीट्यूड बिलीफ एंड सेंटीमेंट विच गिवस ऑर्डर एंड मीनिंग टू अ पॉलिटिकल प्रोसेस ये बहुत फेमस डेफिनीशन है जो मैं अपने स्टूडेंट को ग्रुप में भी हमेशा बताता हूँ कि इस तरह के पॉलिटिकल कल्चर के डेफिनीशन को याद करना चाहिए तो लूसियन पाए ने इसको दिया था जिन्होंने पॉलिटिकल कल्चर को पॉलिटिकल डेवलपमेंट से जोड़ा था खास करके डेवलपिंग कंट्रीज के लिए द प्रोसेस whereby बाय इंडिविजुअल्स आर इनिशिएटेड dominant values and वैल्यूज एंड ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी इज नोन एज पॉलिटिकल जो फैमिली करती है फिर स्कूल करते हैं peer में होती है इवन churches करते हैं मंदिर करते हैं आपके कॉलेज एंड ऑल political पार्टी भी आपको पॉलिटिकली सोशलाइज करती है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कैसे आप समझते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है पॉलिटिकल वैल्यूज क्या है और आप कैसे अपना विचार बनाते हैं थ्रू फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन देखिए 15 वंस हु said लेनिनिज्म इज मार्क्सिज्म ऑफ द एरा ऑफ इंपेरियलिज्म एंड ऑफ प्रोलेटेरियन रिवोल्यूशन जैसे ही आपको लेनिनिज्म आए तो सभी मेरे स्टूडेंट जानते होंगे लेनिनिज्म को एडवोकेट करने वाले उनके बाद जो आए थे बन के चीफ ऑफ यू स्टालिन थे लेनिनिज्म सो स्टालिन यू कैन गेस एंड यही सही है ये सब वैसे जो हैं कम्युनिस्ट हैं माओ सैगोबरा फिडल कैस्ट ये दोनों तो क्यूबन रिवोल्यूशन के एक जनक हैं रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आई करेक्ट वन ऐसे बड़ी क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं तीन और उसको आसानी इसमें से है करेक्ट करना है करेक्ट इनकेंट ध्यान दीजिएगा सोशल जस्टिस इज डराइव फ्रॉम मोरल कंसिडरेशन कौन बोलेगा नहीं तो यस सोशल जस्टिस इज ए निगेशन ऑफ जस्टिस इसको सीधा इलिमिनेट करो ये हो ही नहीं सकता ये आउटलेंड स्टेटमेंट है इट इज नॉट निगेशन ऑफ जस्टिस सोशल जस्टिस इज जस्टिस तो इसको टू के लिए आप इलिमिनेट करते हैं अब इसको मत पढ़िए आप अब देखिए यहां टू इसमें है खत्म कीजिए टू इसमें है टू इसमें इसका मतलब आपको थ्री पढ़ने की भी जरूरत नहीं है केवल एक ही सही हो सकता है वैसे ये बहुत अजीब है कि सोशल जस्टिस वायलेट प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एक तरीके से सही है लेकिन फिर भी ऐसा लोग नहीं कहते कि प्रपोर्सनट इक्वलिटी को नहीं वायलेट करता है लेकिन दी प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को यदि आप एरिस्टोटल तक ले जाते हैं तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाती है अदरवाइज सही है थॉमस पॉगे जो है वो कॉस्मोपोलिटिनिज्म एंड ग्लोबल जस्टिस के लिए जाने जाते हैं तो इनका जो बुक है मैंने यहाँ दिया है चूंकि छुपा हुआ ये सब थोड़े थिंकर हैं उनके बुक तो याद कर ली जाए री थिंकिंग ग्लोबल एथिक्स उन्होंने लिखा है वर्ल्ड पोवर्टी इन ह्यूमन राइट्स लिखा है तो ये कॉस्मोपोलिटनिज्म एंड ग्लोबल जस्टिस गिल थॉमस पोक इज वेरी फेमस ए कॉन्सेप्ट दैट कंसंट्रेट ऑन रिफाइनिंग द फेमिलियर फ्रेमवर्क ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी इज नोन एज पार्टिसिपेटरी और डेलिब्रेटिव यही तो होगा तो इसमें प्रोसीजरल तो हो नहीं सकता पीपुल्स डेमोक्रेसी तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज द दे लिबरल डेमोक्रेसी तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी थोड़ा उसको रिफाइन करती है जहां पे कि पीपल को मौका मिलता है डेलिबरेट करने का उन इशूज पे जो उनके लाइफ का अफेक्ट करते हैं लाइक पब्लिक पॉलिसीज एंड ऑल अब इसको जो है लिस्ट को कंपेयर करना ये भी एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाया है कि ये इन सबको देखिए उसमें से ऑड वन निकालिए या इनकरेक्ट निकालिए ये भी अच्छा है इसमें मॉडरेट ही है अब यहाँ पे देखिए थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है कि इसमें ऑड है इसका मतलब कि बाकी सब सही होंगे और एक गलत होगा तो सिविक कल्चर तो ये बिल्कुल सही है और उसके बाद से आपको जो है कठिनाई हो जाएगी कि इसमें कौन सही कौन गलत तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये सब छुपे हुए हैं ब्लैक स्कल फ्लाई एंडर एक वॉल लेकिन एक बार जान लीजिए कैरल एडविन ब्लैक जो है ये बहुत ही फेमस हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के लिए उन्होंने काफ़ी दिया है इस पर वैसे छुपे हुए हैं तो ये सही है और डायरेक्ट वॉल जो है ग्रीन पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं लेकिन मैंने यहां पे दिया है फैलिस स्टी वॉट मैं अच्छा प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं ये एंटी फेमिनिस्ट स्पोक्स पर्सन है ये ऑफकोर्स ये लेडीज हैं आप याद रखिएगा तो इसलिए ये गलत है ये फेमिनिस्ट नहीं है ना फेमिनिस्ट के बजाय एंटी आप लगा सकते हैं एंटी तब ये सही हो जाता है इसलिए यही जो है ऑड वन आउट है द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी इज एसोसिएटेड विथ ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा आपको इससे नॉलेज मिलता है मैक्स वेबर को याद कीजिए जिन्होंने ये कहा था कि ऑथॉरिटी क्या होती है उन्होंने तीन टाइप की ऑथॉरिटी की बात की थी कि पहले के जमाने में करिस्मेटिक और ट्रेडिशनल ऑथॉरिटी होती थी और मॉडर्न जो एरा है दैट इज नोन फॉर रैशनल लीगल ऑथॉरिटी ऑथॉरिटी और पावर को उन्होंने डिवाइड किया था जो बाद में बहुत स्टैब्लिश थ्योरी बनी कि पावर तो यह है कि आपके पास मान लो डंडा है कुछ करने का मतलब ताकत है चाहे वो किसी भी तरीके हो तो आप वो काम कर सकते हो लेकिन जब पावर को लेजिटिमेसी मिल जाती है जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि कोई मिलिट्री डिक्टेटर है किसी राज्य का तो उसको पावर है और वो राज कर रहा है लेकिन यदि चुनी हुई मान लो गवर्नमेंट से मोदी जी अभी हैं तो उनको लेजिटिमेसी है क्योंकि उनकी जो ऑथोरिटी है वो पावर के साथ में लेजिटिमेसी से जुड़ी हुई है तो ऑथोरिटी इज पावर प्लस लेजिटिमेसी तो वो ऑथोरिटी हो जाती है और लेजिटिमेसी से ही कोई शासन आप बरसों बरस कर सकते हो बिना किसी वायलेंस के कंफ्लिक्ट के मतलब जिसको बोलते हैं ओवर्ट कन्फ्लिक्ट के तो लेजिटिमेसी का कॉन्सेप्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन में आता है पॉलिटिक्स में आता है और ये मैक्स वेबर इसके लिए जाने जाते हैं यहां पे आप टालकट पार्सन को देख रहे हैं फंक्शनलिज्म एक फेमस फेमस सोशलिस्ट जिसका स्ट्रक्चरल फंक्शन फंक्शनलिज्म में जिनका रोल हो जाता है ई मेल दरखीम को देख रहे हैं एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट जिन्होंने एनोमी का कॉन्सेप्ट दिया मेनी अदर इंडस्ट्रियल सोसाइटी में लोग कैसे डिसइंटीग्रेट हो जाती है लाइफ उसको उन्होंने दिया सुसाइड पर उन्होंने काम किया प्लेटोज कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी आपको पता है वो किसके लिए था गार्जियन क्लास के था मतलब फिलोसोफर एंड सोल्जर क्लास के लिए इजी क्वेश्चन रीड द स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई करेक्ट वन इसको चैलेंज किया दिस इज फर्स्ट जिसको आपको चैलेंज करना चाहिए बाईस नंबर क्वेश्चन में मिलता है अकॉर्डिंग टू प्लेटो स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज तो ये बिल्कुल सही है तो वन सही है स्टेट इज सोसाइटी रिट लार्ज उन्होंने नहीं कहा था ये गलत है और प्लेटो वॉज फर्स्ट फासिस्ट फासिस्ट अब इसको चलिए कुछ लोग उनको कह सकते हैं कुछ नहीं फासिस्ट क्यों क्योंकि एक तरह का टोटेलिटेरियन राज की उन्होंने परिकल्पना की थी कि स्टेट ही सब कुछ है और स्टेट सब कुछ गाइड करेगा कैसे लोग जिएंगे कैसे एजुकेशन हो एंड ऑल तो कुछ लोग कहते हैं कार्ल पॉपर जैसे लोग लेकिन इसको चलिए रख लेते हैं तो वन जो है वो सही है करेक्ट आपको खोजना है तो वन किसमें है अब यहां पे देखिए केवल इसमें वन है और कहीं है ही नहीं वन इसमें कहीं नहीं है तो इसलिए ये भी गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है क्योंकि करेक्ट वन और आपको इसका ऑफिशियल आंसर मुझे सॉरी मुझे देना चाहिए था इसका ऑफिशियल आंसर ए नहीं है शायद मुझे लगता है दिस है या कोई है देख लीजिएगा ऑफिशियल आंसर आप लोग पास में है सो so डेफिनेटली इसको आप चैलेंज करें क्योंकि इसका सही आंसर जो है ओनली वन होना चाहिए करेक्ट वन रीड द स्टेटमेंट एंड फाइड द करेक्ट वन तो इसमें भी करेक्ट वन आपको देखना है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द कॉज ऑफ रिवोल्यूशन इज मैंस डिजायर फॉर इक्वालिटी एंड लव फॉर गेन एंड ऑनर मान लीजिए आप नहीं जानते हैं थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है चलिए एरिस्टॉटल डिसलाइक अनड्यू इंपॉर्टेंस ऑफ सम इंडिविजुअल इन पब्लिक लाइफ इसको भी मान लीजिए आप नहीं जानते हैं इसको भी रख लीजिए एरिस्टोटल सेड दैट ए मास्टर कैन यूज द स्लेव फॉर लीजर और यहां वो स्टेटमेंट मिल गया जो मेरे सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि स्लेव और मास्टर जो होता है वो कंप्लीमेंट्री जो है गुण रखता है मास्टर जो है वो उसके पास में दिमाग होता है वर्चुअल वर्चुअस वो काम कर सकता है पब्लिक ड्यूटी कर सकता है और स्लेव जो है मैनुअल ड्यूटी बहुत मैनुअल मतलब हाथ से करने वाला बहुत अच्छे से करके अपने बॉस को अपने मास्टर को लीजर थोड़ा देता है जिससे कि वो परशू कर सके माइंड का काम और पब्लिक ड्यूटी तो ये स्टेटमेंट थ्री बिल्कुल सही है अब थ्री यहां पे करेक्ट ढूंढना है तो कौन कहां पे थ्री है इसमें थ्री नहीं है इसमें थ्री नहीं है इसमें थ्री नहीं है केवल थ्री इसमें है देखिए तो आपको ये दोनों भी अपने आप सही हो जाता है अब आप नॉलेज बढ़ा सकते हैं कि आर डिसलाइक अनड्यू इंपॉर्टेंस ऑफ सम इंडिविजुअल इन पब्लिक लाइफ मतलब कि ऐसा नहीं कि ऑलीगैर्ची नहीं होना चाहिए कुछ ही लोकल पब्लिक लाइफ में ना हो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द कॉज ऑफ रिवोल्यूशन इज मैंस डिजायर फॉर इक्वालिटी एंड लव फॉर गेन एंड ऑनर इसके चलते रिवोल्यूशन आपको पता है कि उन्होंने रिवोल्यूशन को बहुत तरीके से उन्होंने डिफाइन किया था चेंज ऑफ कंस्टिट्यूशन इट्स सेल्फ जो है रिवोल्यूशन एरिस्टोटल के अनुसार तो ये दोनों स्टेटमेंट भी सही हो जाते हैं हु वॉज रिगार्डेड एज ए लॉजिकल थिंकर एंड फिलोसफर ऑफ साइंस इस तरह का थिंकर सेकेंड टाइम इसमें आ रहा है या थर्ड टाइम आ रहा है अरिस्टोटल क्योंकि वो मास्टर साइंटिस्ट माने जाते थे उन्होंने पॉलिटिक्स को उसी तरीके से अध्ययन किया एनलाइज जैसे वो बायोलॉजी और अदर साइंस को वो करते थे इसलिए फिलोसफर ऑफ साइंस कहे जा सकते हैं हु बिलीव दैट मैन इज ऑलवेज टर्म एज क्रिएचर ऑफ हैबिट इस पर कोई एका नहीं है मैंने इस पर रिसर्च करने की कोशिश की बहुत फेमस भी नहीं है और इस पर अलग अलग थिंकर का आता है कहीं पे हॉब्स भी आया हुआ है मैकविली भी है और कई और थिंकर्स भी हैं तो चलिए ठीक है हमें कैबिली भी हैं तो मतलब लेकिन मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं ऐसा नहीं पूछना चाहिए था हॉब्सियन सोशल कॉन्ट्रैक्ट वॉज बेस्ड ऑन इसको आप चैलेंज कर सकते हैं क्यों क्योंकि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कई जगह इसका आंसर है कि हॉब्सियन सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो साइकोलॉजिकल बेसिस है वो फियर था और फियर क्या था फियर ऑफ केयर्स फियर ऑफ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल फियर ऑफ लिविंग इन स्टेट ऑफ नेचर जो बदतर था नरक से भी बदतर था ऑफ कोर्स ये भी सही है कि एक डिजायर फॉर पीस जो है मतलब उस फियर से बचने के लिए डिजायर फॉर पीस है इन ए ऑर्डर ऑर्डरली लाइफ एक स्टेट के अंदर जीने का वो भी एक कॉज था लेकिन ये दोनों सही होंगे एक क्यों फियर क्यों नहीं इसलिए इसको आपको चैलेंज करना चाहिए हु रोड दैट द पीपुल कुड ओनली एक्सपीरियंस ट्रू फ्रीडम इफ दे लिव इन द सिविल सोसाइटी एंड इंश्योर द राइट्स एंड वेलबींग ऑफ इट सिटीजन ये यहां हिंट कहां देता है जहां पे कि वो फ्रीडम ट्रू फ्रीडम लोगों को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जो सिविल सोसाइटी बनती है उसमें रहने में मिलता है जो उनके अधिकार और वेलबींग well का भी ध्यान रखता है ऐसी फ्रीडम की बात सोशल कॉन्ट्रैक्ट से करने वाले मोरल फ्रीडम की जो नेचुरल फ्रीडम को देकर आप मोरल फ्रीडम गेन करते हुए रूसो ही एकमात्र है इसलिए इससे पकड़ सकते हैं इन डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ नेचर द आइडिया कॉन्सेप्ट वेल ऑफ इग्नोरेंस वॉज इंट्रोड्यूस बाई आपको लगेगा ये सब क्वेश्चन बहुत लड्डू हैं डियर स्टूडेंट लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे ही क्वेश्चन से जो है आप कंपीट करते हैं ये सब ब्रेड एंड बटर क्वेश्चन है वेल ऑफ इग्नोरेंस ऑरिजिनल पोजिशन ये सब किसका है ओवरलैपिंग कंसेंसस रिफ्लेक्टिव इक्लिबरियम ये सब जॉन रॉल से जुड़ा हुआ है वाह wow. यहां तो रॉल है नहीं इन डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ नेचर द आइडिया कॉन्सेप्ट वेल ऑफ इग्नोरेंस वॉ इंट्रोड्यूस बाई ओ माय गॉड मैंने देखा भी नहीं कि यहाँ जॉन रॉल नहीं है और चूंकि यहाँ पे जॉन रॉल नहीं है तो उसको आप चैलेंज कीजिए ऑफ कोर्स यहाँ रॉल छूट गया है रॉल्स होना चाहिए मैंने देखा भी नहीं इसको कि इसका मुझे लगे तो लड्डू क्वेश्चन है तो इसको चैलेंज कीजिए द फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्सिज्म आर इन पार्ट डेराइव फ्रॉम ऑफकोर्स हेगेल हेगेल के जो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म था उसको उन्होंने डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म में कन्वर्ट किया अपसाइड डाउन द मार्क्सिन थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू कहाँ से लिया उन्होंने ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ ये एक लिबरल थिंकर थे डेविड रिकैडो उनकी जो थ्योरी थी वेज लेबर उससे उन्होंने सरप्लस लेबर वैल्यू की जो थ्योरी उनकी थी सरप्लस लेबर वैल्यू क्या है एक लाइन में दी बोले तो जो मार्केट रेट लेबर का आप लेते हो वो तो एक कमोडिटी तरह खरीदते हो वो बहुत कम होती है इन कंपेरिजन टू जो लेबर वैल्यू होती है जो वो वैल्यू दे के किसी प्रोडक्ट को काफ़ी वैल्यू बना देता है तो आप क्या करते हो उसके वैल्यू से जो प्रोडक्ट बनती है उसका एक, मतलब मतलब एक, एक कुर्सी बनाने के लिए आपने एक लेबर को हायर किया चेयर बनाने के लिए और आपको आपने उसको जो है तीन उस दिन का दे दिया और चेयर में आपने जो सामान लगाया मान लो कि पांच सौ रुपए का सामान लगाया लेबर ने अपने लेबर से उसको इतना वैल्यू बना दिया कि आपने उसको पांच हजार रुपए में बेच दिया तो चार हजार पांच सौ रुपये लेबर की वैल्यू थी बाकी यदि आप मटेरियल कॉस्ट के अदर निकाल दो और आपने उसको मान लो पांच सौ रुपये पे किया तो चार सौ रुपये प्रॉफिट जो है वो सरप्लस वैल्यू है जो आपने खा लिया रॉबर्ट नॉजिक बेसिस थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑन इंटाइटलमेंट उनकी थ्योरी ही कहलाती है इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड फाइव हु हैज नॉट इन्फ्लुएंसड ऑन रॉल इट इज वेरी गुड क्वेश्चन रॉल पे जो है कांत का रूसो का इसिया बर्लिन का इन सब का बहुत खासा असर था वो भी सोशल कॉन्ट्रैक्टियन कॉन्ट्रैक्टेरियन uh, थिंकर थे लेकिन माइकल सैंडल जो एक कम्युनिटेरियन थिंकर है लिबरल कम्युनिटे वो तो उनके क्रिटिक थे उनका कोई असर उस पर नहीं था आई द स्टेटमेंट दिच इज ट्रू एज पर थिंकिंग ऑफ क्वटलिया ये मैं क्वेश्चन मार्क इसलिए कर रहा हूं कि इसमें मैं बहुत रिसर्च नहीं कर पाया हूँ करेक्ट इसमें से होना चाहिए क्या उन्होंने जो है चार जो वर्णा आश्रम है धर्मा उसका मतलब कि समर्थन किया था फेवर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का और क्या ये जो चार स्टेज ऑफ लाइफ होते हैं Uh, जिसमें कि चार स्टेज ऑफ लाइफ जो uh, ब्रह्मचर्य एंड गृहस्थ एंड वान प्रस्थ संस जो फोर स्टेजेस ऑफ लाइफ जो होते हैं क्या वो उसको उन्होंने समर्थन किया था इंपॉर्टेंस दिया था और क्या उन्होंने जो है सभी वुमेन को फ्रीडम मैरिज और डाइवोर्स में एडवोकेट किया था डिफिकल्ट मुझे मैं मुझे मतलब क्लैरिटी नहीं है कि इसमें कौन सा ये नहीं है इसका आंसर इन्होंने ये दिया है तो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी रिसर्च कर लीजिएगा ये थोड़ी छुपी हुई क्वेश्चन है डिफिकल्ट क्वेश्चन है Who among the following was a scholar on comparative religion during 19th century? ये आसान क्वेश्चन जैसे आपको रिलीजन को कंपेयर करने दे और 19th सेंचुरी में, दे, में, दे, में देखिए तिलक है ही नहीं दयानंद सरस्वती हैं, लेकिन कंपेरेटिव रिलीजन नहीं उन्होंने हिंदू रिलीजन पे ज्यादा फोकस किया ज्योतिबाफिले भी जो है कंपेरेटिव रिलीजन के लिए जानता बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट के लिए तो राजा राम मोहन रॉय इसके लिए जाने जाते हैं उन्होंने इस्लाम का अध्ययन किया क्रिश्चियनिटी का किया हिंदुइज्म किया और उसको कंपेयर किया एंड फाइ द रॉन्ग पेयर अब रॉन्ग पेयर आपको कह रहे हैं तो राजा राममोहन रॉय जो है ए, वैसे तो ये यूटिलिटेरियन थिंकर थे लेकिन ये नेचुरल राइट right में भी बिलीव करते थे राइट्स के चैंपियन थे विवेकानंद रिलीजियस टॉलरेशन, सभी रिलीजन का सम्मान करना साइंस का भी सम्मान करना गोखले वॉज ए पैसिफिस्ट और ये माने जाते हैं गुरु पॉलिटिकल गुरु गांधी जी के एजुकेशन के उन्होंने काफी काम किया सर्वेंट्स ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन्होंने बनाया था एजुकेशन के प्रशासन नेशनलिस्ट प्रेस के लिए नहीं जाने जाते हैं तो यही रॉन्ग पेयर होगा तिलक जो है आर्कटिक होम ऑफ वेदाज उन्होंने लिखा था so, सो इनके बारे में जान लीजिए गोखले के बारे में ये फैक्ट जो मैंने यहां दिया है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी हु सेड सेल्फ प्योरिफिकेशन इज द इथिकल फाउंडेशन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन और ये कहने वाले कई लोग हैं इनफैक्ट विवेकानंद भी इसमें से एक लिए जाते हैं आप नेट पर पढ़ेंगे लेकिन गांधी जी के साथ ज्यादा जो है क्योंकि उनकी आत्मकथा में ऐसा लिखा गया है सेल्फ प्यिफिकेशन इज द इथिकल फाउंडेशन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इसी बेसिस पे उन्होंने जो है अपनी स्वराज की कल्पना भी की थी तो ठीक है ये क्वेश्चन हु कॉल्ड हिमसेल्फ हिमसेल्फ ए फिलोसॉफिकल एनआर्किट जैसे ही फिलोसफिकल एनारकिस के आपको पता है ये गांधी जी हैं यह आसान है बिलीव इन मॉडरेट अप्रोच इन कनेक्शन with सोशल चेंज यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं चैलेंज इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि और रिसर्च कर लीजिए लेकिन इसका आंसर इन्होंने दिया है अंबेडकर और मैं मेरे अनुसार से इससे अच्छा है गोखले क्योंकि अंबेडकर कई बार रिवोल्यूशन के बात करते थे कि पूरे शास्त्र को खत्म कर दो कास्ट को annihilate कर दो तो वो कोई बहुत मॉडरेट अप्रोच नहीं था लेकिन गोखले हमेशा जो है एक मॉडरेट अप्रोच उन्होंने लिया है सोशल चेंज का तो वाई नॉट गोखले यहां पर मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं नेम द ऑथर द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी तो चलो ये तो आसान है अरविंदो घोष इस तरह की बुक जब भी आए तो आपको पता होना चाहिए इंटीग्रल योगा एंड और हु सेड द एम ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप सच ए कम्प्लीट ह्यूमन बींग हु डेवलप नॉट ओनली एज ए इंडिविजुअल बट ऑल्सो एज ए मेम्बर ऑफ द सोसाइटी इसका इन्होंने जो आंसर दिया है अब मुझे याद भी नहीं क्योंकि मैंने कल रात देर तक देखा है शायद उन्होंने विवेकानंद दिया है आप चेक कर लीजिए मैं इसको खोज नहीं पाया कि इसका सही आंसर क्या इसलिए मैंने दिया है और यह भी मैं मेमोरी से बोल रहा हूं विवेकानंदिया अरविंदो में से एक इन्होंने दिया है चेक कर लीजिएगा लेकिन मैं नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन आंसर सही है या गलत है हु said गॉड गॉड इज सेल्फ evident impersonal omniscient knower and एंड द मास्टर ऑफ नेचर एंड लॉर्ड ऑफ ऑल तो इस टाइप की जो बातें यदि आप करेंगे गॉड के बारे में तो आपको विवेकानंद और अरविंदो ये दो ख्याल आएंगे इसका सही आंसर विवेकानंद है ऑफकोर्स डिफिकल्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट को इन्होंने थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया और इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे लेकिन किसने क्या कहा किसने क्या कहा मैं हमेशा कहता हूं कि सौ क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने क्या कहा तो आप कोई दस का जवाब दे पाएगा यदि डिफिकल्ट पूछा जाए क्योंकि सो डिफिकल्ट इसमें कोई ज्ञान भी नहीं है हु वर्क फॉर सोशल इंपावरमेंट एक्सपेंसन ऑफ एजुकेशन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड अटेन एब्सटेंट फ्रॉम रिवोल्यूशनरी पार्ट ज्यूरिंग नेशनलिस्ट स्ट्रगल इन इंडिया इसको आपको चैलेंज करना चाहिए क्योंकि यहां आते आते ये बिल्कुल इंडियन पॉलिटिकल थॉट में भटक गए हैं इन्होंने कहा है कि गोखले लेकिन क्यों गांधी जी क्यों नहीं क्या इसमें से ऐसा है जो गांधी जी ने नहीं किया है सोशल इंपावरमेंट एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एब्सटेंट फ्रॉम रिवोल्यूशनरी पार्ट ज्यूरिंग नेशनलिस्ट स्ट्रगल अब यहां देखिए अपना खुद ये जवाब दे रहे हैं कि सोशल चेंज के लिए जो है रिवोल्यूशनरी पार्थ को ये नहीं अपनाते हैं गोखले और वहां वो अंबेडकर को करते हैं और गोखले नहीं अपने खुद को काट रहे हैं

रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाई द रॉन्ग वन अब यहाँ पे देखिए रॉन्ग है आप राइट मस्ट चूज कर लीजिएगा ड्यूरिंग द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा जो अभी चला है नाइनटीन नाइन्टी वन से द इंटरनेशनल डोनर एजेंसी प्रेस हार्ड फॉर द स्ट्रिंकेज ऑफ पब्लिक स्पेयर जो एलपीजी के तहत लिबरालाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन येस दे ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर डाउन साइजिंग द गवर्नमेंट एंड हार्ड वॉइल्ड मैनेजमेंट तो ये भी सही है कि स्टेट को पीछे करो मार्केट को आगे ले जाओ तो वन एंड टू सही है वन तो टू नहीं होना चाहिए क्योंकि रॉन्ग आपको खोजना है तो ये नहीं होगा टू 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 तो चलो ये तो खत्म हो गया थ्री देखते हैं पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस विज डिसकरेज नहीं ऐसा नहीं है डिसेंट्रलाइजेशन को इंकरेज किया गया तो थ्री जो है होना चाहिए तो यहां थ्री है यहां थ्री है इसको खत्म कर लीजिए ये रॉन्ग है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्सपीरियंसिंग कॉन्स्टेंट इंक्रीज ऑफ सोशल नीड्स विच कॉज शिफ्टिंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द डिसिप्लिन ये सही है ये गलत नहीं है इसलिए ओनली थ्री इसमें गलत है हु सेड कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्लूड विद इन इट सेबॉर्डिनेट टू इट एंड थ्रू विच इट ऑपरेट्स तो कॉर्डिनेशन को इतना ऊपर ले जाने वाले ऑर्गेनाइजेशन का इसेंसाने बताने वाले मुनी है आप इसको याद भी कर सकते हैं विच वन इज नॉट ए करेक्टर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यूट्रल नहीं था And less नहीं था एंड वैल्यू लोडेड इसलिए यहीं पे आपको मिल जाता है बाकी देख लीजिए मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूं वॉट डिफाइन्स कैपेसिटी जजमेंट एंड इमेजिनेशन ड्रिवेन कैरेक्टर ऑफ डिसीजन मेकर ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको चैलेंज करना चलो मैं चैलेंज ही लिख देता हूं वैसे मैंने क्वेश्चन मार्क किया है इन्होंने क्या पूछा है वॉट डिफाइंस कैपेसिटी अंडरस्टैंडिंग जजमेंट एंड इमेजिनेशन ड्रिवन कैरेक्टर ऑफ डिसीजन मेकर और इसका जवाब देते हैं ऑथोरिटी ऑफकोर्स नॉट इट मे बी विजन इट मे बी लीडरशिप आई डोंट नो वॉट क्या इन्होंने पूछा है? इसको चैलेंज करना चाहिए क्योंकि ऑथॉरिटी तो इज नॉट समथिंग वॉट विच कैन बी डिफाइंड इन दिस वे हु डिस्क्राइब ए पॉलिसी प्रोसेस साइकिल इन विच इट इंक्लूडेड एजेंडा सेटिंग इशू एनालिस इंप्लीमेंटेशन इवैल्युएशन टर्मिनेस क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है लेकिन लैरोड हैसवल सॉरी uh, हैरोड लैसवल के साथ मिलकर के वालवेस्की ने फर्स्ट जो है इस तरह का स्टेजेस सिक्स स्टेजेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी दिया था जिसको बाद में लासवेल ने सेवन स्टेज में कन्वर्ट किया और फिर मे के साथ मिलकर इन्होंने जो है वाल्डावास्की ने जो है इस तरह के स्टेजेस दिया था इसमें इस तरह की स्टेज थ्योरी मैंने कई बार बताया उसमें पब्लिक पॉलिसी का माना था कि पहले एजेंडा सेटिंग होती है फिर इशू एनालिसिस होती है फिर उसके बाद जो है आपको अल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं पॉलिसी बनती है उसको इंप्लीमेंट करते हैं इवेलुएट करते हैं टर्मिनेट करते हैं लाइक दिस एक स्टेजेस में होती है वैसे अब माना जाता है कि इस तरह कोई स्टेज होती है नहीं सो मे एंड विल्डवास की एंड फायर द रॉन्ग पेयर ऑफ बुक्स एंड ऑथर तो रॉन्ग यहां पे आप डिफिकल्ट थोड़ा हो सकता है वैसे मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको शायद जानना चाहिए कि फिलिस, फिलिक्स फिलिक्स नेग्रो ने लिखा है और ये तो इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबको पता होना चाहिए एंड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन पे अपेल बाय की बुक भी पता होनी चाहिए

आ, मैच करना है ये भी आसान है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि अब ये खेरा SS खेरा ने किया दिया था डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का ये बड़ा डिफिकल्ट है लेकिन मैरिनी ने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट नहीं दिया है तो करेक्ट वन है क्रिस आर गैरिस ने जो है ह्यूमन साइड इंटरप्राइज नहीं दिया है ग्राहम वालाज ने दिया है मेरे स्टूडेंट को पता होगा मैंने कई बार कहा है ये बुक लिखा है और इस पर तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है लेकिन एसएस खेरा ने चुकी ये दिया है, तो ये है। तो करेक्ट चलिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आई द करेक्ट वन करेक्ट वन ध्यान रखें मैक्स वेवर इज नोन फॉर ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट कौन बोलेगा नहीं तो वन सही होना चाहिए तो वन यहां है वन यहां है इन दोनों में नहीं है इसको खत्म कर दीजिए और यहाँ वन है तो अब टू थ्री को देखते हैं हेनरी फायल डेवलप द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही है इल्टन मायो द फादर ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट वूवमेंट तीनों सही है बिल्कुल आसान कमेटी एसोसिएटेड विद रिलेशनशिप बिटवीन जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट कौन थी Europe, मतलब इंग्लैंड में सभी जानते हैं फुलटन कमेटी यहाँ पे जो है आप इन सब कमेटी जो गोरवाला कमेटी तो इंडिया में बैठी थी 1951 में पढ़ा नॉर्थ कॉट ट्रेवल एंड कमेटी जो है इंग्लैंड में थी सबको देख लीजिएगा वॉट डील्स विद द एक्सपेंस मेरे गाइड में कई मैंने इस तरह कमेटी मीटी और उसपे जो अमेरिका और इंग्लैंड दोनों में और उन्होंने क्या दिया था मैंने बताया तो फुल टाउन कमेटी जो है जर्नलिस्ट वर्स स्पेशलिस्ट की लड़ाई पे वॉट डील्स विद द एक्सपेंशन ऑफ इफेक्टिव वर्किंग टाइम बी ऑन द फॉर्मल वर्किंग आवर्स आवर्सिंग वर्कर्स इन इशूज रिलेटिंग टू द ऑर्गनाइजेशन आपको न्यू टेलरिज्म जानना चाहिए नहीं जानते थोड़ा पढ़ लीजिए ये उससे रिलेटेड है मैं यहां डिटेल में नहीं कर रहा हूँ लेकिन नए जमाने में नए कलेवर के साथ टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के हेल्प लेकर के और वर्कर के साथ में थोड़ा एसोसिएट होकर लाने के जो प्रयास है वो न्यू टेलरिज्म कहलाती है साइंस नॉट द रूल ऑफ थम नॉट डिस्कॉड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि ये फेडरिक के फेडरिक टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में बात हो रही है और वही है आसान क्वेश्चन हु हैड पॉजिटिव इन्फ्लूस हर्बर्ट साइमन ये क्वेश्चन बहुत ही घिसा बीटा क्वेश्चन हो गया मतलब रन ऑफ द नील यूज क्वेश्चन हो गया एक समय में ये बहुत नॉवल क्वेश्चन था लेकिन आप सभी जानते हैं सभी स्टूडेंट के चेस्टर बर्नार्ड का, का काफी रोल है उनके जो डिसीजन मेकिंग थ्योरी पे क्योंकि वो प्रिकसर है उन्होंने जो अपनी फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव में जो कई सारी बातें कही उसको हर्बर्ट साइमन ने यूज किया था बर्नार्ड हु इंट्रोड्यूस लॉजिकल पॉजिटिविज्म अगेन जो हर्बर्ट साइमन ने जो अपना अप्रोच था उनका जो एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच टू 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 डेवलप हिज रैशनल रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी वो लॉजिकल पॉजिटिविज्म था हर्बर्ट साइमन हु इज द फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इसको आप बिल्कुल चैलेंज करें क्योंकि इस पर कोई एका नहीं है कि एडवर्ड वेगनर है या जॉर्ज ग्रांट है कहीं पे आपको ये मिलेंगे कहीं ज्यादा 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 जगह पे जो सेटर है वो एडवर्ड वेगनर को फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं लेकिन कई जगह जो है माइनोरिटी में जॉर्ज ग्रांट और इन्होंने जॉर्ज ग्रांट को सही माना था ऐसा क्यों कि एडवर्ड नहीं होंगे ऐसा तो कोई एका है नहीं फादर या मदर ये सब वैसे भी बहुत ही डाइसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं दर इज नथिंग लाइक फादर मदर इसका मतलब ये होता है किसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इसी का मतलब ऐसा फादर क्या होते हैं तो लेकिन इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है और कई जगह जो है ऐसा कहा जाता है रोडमेड ने इसलिए इसको चैलेंज कीजिए यस हु ऑब्जर्व दैट इंक्रीजिंग ऑटोनॉमी ऑफ द सोशल सिस्टम मैनिफेस्ट इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ इन्हांसड एबिलिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज टू शेप दर फिजिकल ह्यूमन एंड कल्चरल इन्वायरमेंट जब भी इस तरह का इन्वामेंटल इफेक्ट बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन या सोशल सिस्टम और उसके इकोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में आती है तो इकोलॉजी ऑफ इकोलॉजिकल थ्योरी आप कह सकते हैं उसका ध्यान आपको चाहिए फ्रेडरिक्स हू एंडाई थ्री ट्रेंड्स अगेन फ्रेडरिकॉर्मेटिव टू नॉर्मेटिव टू इंपेरिकल इडियोग्राफिक टू नोमोथेटिक्राफिक मतलब स्पेसिफिक टू वन केस नोमोथेटिक मतलब जनरलाइजेशन एंड नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल ऑलवेज इकोलॉजिकल अप्रोच को आप फ्रेडरिक्स से जोड़ सकते हैं और ये जो है कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पिता भी कह जाते हैं अगेन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर ऑफ कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेस फ्रेडरिक्स

जो ऑथर हैं वो है वाइने सी मैक विलियम्स और हेडली बुल की बहुत फेमस बुक है द दर्किकल सोसाइटी तो क्यों ना दोनों को याद कर लीजिए जॉन हर्ज जो है जिन्होंने जो सिक्योरिटी डिलेमा दिया था वो रियलिस्ट लिबरलिस्ट माने जाते हैं रियलिस्टिक लिबरलिज्म के मतलब तो समर्थक माने जाते हैं मतलब तो एक तरह का बीच बीच का रास्ता लिबरलिज्म और मोरल आइडियलिज्म के सॉरी रियलिज्म और मोरल आइडियलिज्म के बीच बीच का रास्ता जिसको आप न्यो लिबरलिज्म में काफी देख भी सकते हैं जॉन हर्ट्स नैश जो है इसको आपको मुझे लगता है चैलेंज करना चाहिए क्योंकि जेपी नैश जो है जेपी नैस है बिन इनका नाम जे एफ नैश है जॉन फॉरबिस जूनियर और ये गेम थ्योरी के लिए जाने, जाने जाते हैं नैश इक्विलिब्रियम इज वेरी फेमस जो बेस्ट आउटकम मिल सकता है और बार्गेनिंग थ्योरी के लिए भी जाने जाते हैं लेकिन क्यों इन दोनों में कैसे आप चुनाव कर सकते हैं क्योंकि गेम थ्योरी ज्यादा पॉपुलर है इसलिए इसको चैलेंज कर लीजिए यस

19th सेंचुरी में सबसे जो इंपॉर्टेंट एक तरह का इंटिटी थी या एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने बैलेंस ऑफ पावर किया उसको कंसर्ट ऑफ यूरोप भी कहते हैं कंसर्ट ऑफ यूरोप और ये कंसर्ट ऑफ यूरोप पांच कंट्री थी उस समय की यूके प्रूसिया ऑस्ट्रिया इसमें शायद फ्रांस भी था रसिया ये सब मिल करके पांच देख लीजिएगा कौन थे मतलब शायद फ्रांस उसमें थे यानी तो ये मिल करके जो है उन्होंने एक बैलेंस ऑफ पावर बनाया था उसके ये 1815 में बनी थी और लोग कहते हैं कि 1914 तक ये चला और ये टूटा तो वर्ल्ड वॉर वन हुआ और इसके जो बेसिक आर्किटेक्ट थे वो मैटर्निक थे मैटर्निक उसमें से शायद उसे में ऑस्ट्रिया के राजा थे या, या प्रेसिडेंट थे चेक कर लीजिएगा तो मैटर्निक वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द कंसर्ट ऑफ यूरोप जो कि बैलेंस ऑफ पावर के का एक उदाहरण था तो इसलिए फादर कहे जा सकते एंड फाइदर रॉन्ग वन इसमें जो रॉन्ग है अब ये ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि आपको ये पता नहीं होगा सी टी बी टी नाइनटीन नाइनटी सिक्स बहुत लोगों को पता है लेकिन आर्म ट्रेड ट्रीटी और कन्वेंशन और क्लस्टर म्यूनिशन ये सब बहुत डिफिकल्ट है लेकिन केमिकल वेपन कन्वेंशन बहुत आसान है इसको याद रखना कि ये नाइन्टी थ्री में हुआ था इसलिए ये नाइनटीन नाइन्टी में है तो यही आपको ये गलत मिल जाता है डिफिकल्ट क्वेश्चन इंडिया होस्टेड नैम समिट जब इंदिरा गांधी थी 1983 बहुत ही फेमस है अभी भी दूरदर्शन पे आप इसको देख सकते हैं इसमें एक फेमस जो है एक वाक्य भी हुआ था यासर अराफात वाज़ ए टॉल लीडर लिटरली आल्सो ऑफ फिलिस्तीनी लिबरेशन फ्रंट और उन्होंने इनको हक किया था पब्लिकली थोड़ा सा इतना उस समय में ऐसा नहीं होता था कि लेडी जो होती थी इतनी बड़ी राष्ट्राध्यक्ष उनको कोई इस तरह से हक करे इतना ज्यादा उन लोगों में आत्मीयता थी तो वो चीज जो है दूरदर्शन पे आई आई और उसको कई जगह भी, भी वीडियो वायरल है कि कैसे इंदिरा गांधी का उनसे पर्सनल रैपो था यासर अराफा से आज जो है बहुत ही इंडिया अलग डायरेक्शन में है हम लोग देख सकते हैं अभी हम लोग इसराइल के ज्यादा करीब करीब हैं ऑफकोर्स हम लोग फिलिस्तीन हमारा पुराना जो है दोस्त रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाई द रोंग व इंडिया होस्टेड एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन 1940 यही आपको रॉन्ग वन मिल गया क्योंकि ये नाइनटीन आजादी से पहले ही हम लोगों ने किया था एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस नेहरू जी के अध्यक्षता में तो वन जरूर होना चाहिए और यहाँ देखेंगे तो वन जो है ये तीन में है तो इसको चलिए अब हम लोग देखते हैं इंडिया इज पाइनियर ऑफ यू इमरजेंसी फोर्स ये सही है स्पेन ये आपको डिफिकल्ट है जानना कि स्पेन को हर जो है जी ट्वेंटी के मीटिंग में बुलाया जाता है परमानेंट इन्वाइट है ये आसान नहीं है ये जानना लेकिन ये सही है साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा ये आसान है क्योंकि अभी 24 में ब्राजील करेगा उसके बाद साउथ अफ्रीका अभी इंडिया ने किया उसके पहले इंडोनेशिया ने तो इसमें आप देखेंगे तो टू जो सही है या रॉन्ग वन केवल ओनली वन है इंडिया लॉन्च लुक ईस्ट पॉलिसी अब ला ब्लाब्ला क्यों किया और कब किया ये पूछा जा रहा है नरसिम्हा राव के टाइम में 1991 और बाद में मोदी जी ने 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने इसको बदल दिया और फिर उन्होंने जो है उसी साल एक्ट लुक वेस्ट पॉलिसी भी लॉन्च किया नेबरवुड फर्स्ट पॉलिसी भी किया रीड द स्टेटमेंट एंड फॉर द करेक्ट वन इन द स्टडी ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स करेक्ट वन ओनली मॉडर्नाइजन एंड डिपेंडेंसी थ्योरीज आज यूज तो ये डेफिनेटली गलत ऐसा थोड़ी कल मॉडर्नाइजन एंड डिपेंडेंसी थ्योरी यूज होती है तो वन को डेफिनेटली आपको करेक्ट वन है तो वन नहीं होना चाहिए तो वन नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए.

फंक्शनलिज्म है डिफरेंट डिफरेंट जो इंटिटी है वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं समाज को बनाए रखने के लिए इसी के बेसिस पे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का जो है एंड 1960 में लेके आते हैं ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम इज बेटर नोन एज क्राउंड रिपब्लिक सोचिए क्यों बहुत ऑब्वियस है इसको आप पकड़ सकते हैं सोच करके इसमें कोई प्राय नॉलेज की जरूरत नहीं है है तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन मोनैर लेकिन उसको क्राउंड रिपब्लिक कह सकते हैं मतलब कि जो क्राउन है वही पीपुल के पावर को दिखाता है पीपुल की के राज को दिखाता है ऑफ कोर्स उसे वो रिपब्लिक है नहीं एंड फाइव फ्रॉम बिलो द रॉन्ग पेयर ऑफ ऑथर एंड बुक ये इन्होंने काफी सारे क्वेश्चन बनाए हैं अधिकतर को डिफिकल्ट करने की कोशिश की है रॉन्ग पेयर तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ये डिफिकल्ट है अमेरिकन प्रेसिडेंसी से आप पकड़ सकते हैं इसको जो है फॉरेस्ट मैकडोनल्ड uh, ने लिखा है और अमेरिकन प्रेसिडेंसी है, है तो इसको आप गलत कर दीजिए बाकी आपको नॉलेज दे देता है कि लास्की ने लिखा है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड रैपेड ने लिखा है द गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड एंड गोडेहार ने लिखा है चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एशिया वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन डी मैं लगा रहा हूं विच वन बिलो इज नॉट ट्रू ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आसान क्वेश्चन वहां पर कोई एब्सल्यूट गवर्नमेंट का तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है रिपब्लिक है चेक्स एंड बैलेंस है पॉपुलर सॉवरिटी है विच इज नॉट ट्रू रिलेटिंग टू इंग्लिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी पार्टली रिटर्न पार्टली अनरिटर्न कुछ थोड़े बहुत अभी जो है एक तरह से लिख दिए गए हैं जो ऑर्डर वहां जुडिशियल ऑर्डर है उसके बेसिस पे बट बेसिकली वो अनरिटन है पार्लियामेंट्री सॉवरिटी है ब्लेंड ऑफ मोनार्टी एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी है अभी आपने देखा क्राउन रिपब्लिक लेकिन वहां का रिजिट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है हो भी नहीं सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न ही नहीं है रिजिट कैसे होगा विच इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल ये तो स्विस की जो फेडरल um, ट्रिब्यूनल है फेडरल काउंसिल है पूरा एग्जीक्यूटिव है डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसको बहुत अच्छे से जानिए क्योंकि वो हर हर कंपिटिशन में पूछा जाता है बड़ा यूनिक है वहां के जो फेडरल ट्रिब्यूनल जिसको आप सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं क्योंकि वो फेडरल डिस्प्यूट uh, के लिए वहां पे यूज होती है उसमें जो है थर्टी एट जजेज होते हैं जिसमें से सत्रह जज जो हैं वो इलेक्ट होते हैं वहां के लोअर हाउस द्वारा और सॉरी uh, 21 लोअर हाउस के द्वारा जिसको वहां फेडरल असेंबली कहते हैं और 17 जो अपर हाउस जो काउंसिल ऑफ स्टेट इंडिया के तरह कहलाता है और दोनों मिलकर के जो है फेडरल फेडरल uh, वहां की क्या है फेडरल काउंसिल ऑफ स्टेट एंड फेडरल असेंबली मिलकर क्या कहलाते होंगे वहां की जो भी पार्लियामेंट है जो भी नाम होंगे ओके सो यहां पे जो uh, सही है कि जो गलत है वो है कि इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में नहीं है इसकी मैं यहां कुछ कर रहा हूं नाम पे तो फेडरल असेंबली के द्वारा मतलब कि फेडरल असेंबली वहां की पार्लियामेंट uh, है जिसका लोअर हाउस शायद फेडरल काउंसिल फेडरल काउंसिल है और अपर हाउस काउंसिल चेक कर लीजिएगा लेकिन वहां की पार्लियामेंट जो है वो इलेक्ट करती है थर्टी एट जजेज को फेडरल असेंबली ये सब सही है रीड द और वहां एक बहुत एक एक और भी ट्रिकी इंफॉर्मेशन है कि वहां के जो फेडरल ट्रिब्यूनल है अब मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ वो शायद कैंटन के जो जो कैंटन वहां का स्टेट होता है जैसे अपने यहाँ प्रोविंस स्टेट है उसके जो लॉ बनते हैं उसको तो वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है लेकिन जो फेडरल लॉ होते हैं उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है. चेक कर लीजिएगा रीड द स्टेटमेंट रिलेटिंग टू वहाँ का पार्लियामेंट है है, 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 तो ये तो one तो तो ये सही होगा, तो, है, है, तो यही दो में अब है नहीं, पहले थी 2016 में हटा दिया गया वहां बहुत डेमोग्राफी तेजी से घटने लगी थी तो इसलिए टू जो है वो गलत है तो टू होना चाहिए इसमें नहीं है तो खत्म हो गया और टू और आगे पढ़ने की ज़रूरत पढ़ लीजिएगा तो rigid constitution, देखते हैं सिस्टम है डेमोक्रेटिक तो सेंट्रलिज्म है ही लेनिन की तो इसका मतलब एक ही बचा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है आसानी से चेंज किया जा सकता है अब इसको जो है, wrong, कौन मैच हुआ है तो पूर्ण स्वराज आपको पता है 1929, वहीं पे पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया 26 जनवरी को इसीलिए जो 26 जनवरी को हम लोग ने कंस्टिट्यूशन लागू किया हम चाहते थे कि अपनी हमारी आजादी उसी दिन हो कैब नेक्स्ट ईयर हुआ था 26 जनवरी 1930 को पहली बार झंडा फहराया गया था पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन में अपनाया गया था कैबिनेट मिशन प्लान नाइनटीन में आई थी जिसके बेसिस पे कंस्टिट्युएंट असेंबली का गठन हुआ था प्लानिंग कमीशन उन्नीस में ही गठित हो गई थी तो ये रॉन्ग है और सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी अवधि सेशन हुआ था कांग्रेस का वहां कांग्रेस ने इसको अडॉप्ट किया रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइ द करेक्ट वन यहां करेक्ट है तो रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजन वॉज अपॉइंटेड नाइनटीन एट टू एग्जामिन एक्स्टिंग ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट एंड द प्रोविशनल गवर्मेंट जे बी पी वॉज जी डी खोसला प्लान होलिडे वॉज तो यहाँ पे अब देखिए प्लान होलीडे वॉज ऑब्जर्व डरिंग ये ये बिल्कुल सही है तो फोर जरूर होना चाहिए कि करेक्ट वन है इसका मतलब कि ये दोनों खत्म हो गए अब इन दोनों में देखेंगे तो दोनों में फोर है और थ्री फोर थ्री फोर कॉमन है इसका मतलब थ्री तो बिल्कुल सही है इसको पढ़ने की जो थ्री फोर अब केवल हमें देखना है कि टू के बारे में देखना है तो जेबीपी कमिटी वॉ सेटअप फॉर द स्टडी ऑफ रिकॉमेंडेशन ऑफ डार्क कमीशन अब ये इतना स्पेसिफिक है मुझे नहीं पता लेकिन एक कमेटी बनती है दूसरी कमेटी स्टडी करने उसका ईयर दिया गया इस टाइप का इंफॉर्मेशन जनरली करेक्ट होता है इसको करेक्ट लेना ही ज्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट अच्छा रहेगा तो डी सही है वही सही आंसर रॉन्ग पेयर ऑफ बुक्स एंड रॉन्ग पेयर ऑफ बुक्स एंड ऑथर तो यहाँ पे भी जो है आपको आम, मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं इनफैक्ट मैंने इसको जो है इसको छोड़ दिया है आप देख लीजिएगा क्योंकि एक किस्में से गलत होगा डिफिकल्ट है आप ये कोई बहुत नॉलेज नहीं है लेकिन नेट पे पढ़ लीजिए हु वॉज अपॉइंटेड एज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर तो ये भी बहुत डिफिकल्ट है लेकिन हम लोग को जानना चाहिए कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर हमारे आर के शंक मुखन शेट्टी थे एज पर दिस ऑफिस मैंने नेट पे देखा नहीं है मैं भी इसलिए अभी आपको रिसर्च करने कह रहा हूं विच वन बिलो वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द रिफॉर्म ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया तो इसमें ये सब कमेटी जी वी के राव एल एम सिंघवी थुंगन लेकिन एल के झा कमेटी से रिलेटेड नहीं थे डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्स्टेंस इज रिलेटेड टू अब ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है ये कई जगह आ सकता है पिथ एंड सब्स्टेंस ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है इसका जो मायने ये होता है कि लॉ का इसेंस क्या है क्या मतलब लॉ जो है सही बनी है लेकिन इसका जो यूज़ होता है इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में वो है कि कोई लॉ जो है वो सही ऑथोरिटी ने बनाया है कि नहीं जैसे कि कोई स्टेट गवर्नमेंट ने मान लो लॉ पास कर दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड पे तो डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस ये खोजेगा कि क्या उसको ये लॉ बनाने का अधिकार था कि सेंटर को अधिकार था तो ये जो कृषि कानून में भी ये बात आई थी

करेक्ट वन इसमें से खोजना है इलेक्शन कमीशन वाज वॉज ये तो सही है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन uh, लागू होने के एक दिन पहले देखिए ये जो है uh, इसको बना दिया गया था इलेक्शन कमीशन थी तो वन जरूर सही होगा तो वन देखिए इसमें नहीं है इसमें नहीं है इन दोनों में वन टू है तो टू को मत पढ़िए थ्री फोर चलिए पढ़ते हैं नाइनटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट चेंज द वर्ड ओडिया टू ओडिया टू ओडिया हो सकता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है ये फोर तो बिल्कुल सही है तो चूंकि फोर सही है कि हंड्रेड सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया गया या स्टेटस दिया गया तो फोर के साथ थ्री भी सही हो जाती है द प्लेसेज ऑफ वर्सिप एक्ट कब हुआ था तो ये जब बाबरी मस्जिद गिरी थी नरसिम्हा राव जी के टाइम में तब ये लाया गया था कि अब आगे कोई भी जो अल्टरेशन नहीं होगा प्लेसेज ऑफ वर्सिप में नरसिम्हा राव लाइक द प्रोविजन ऑफ इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक अलग तरीके से होती है जो अमेरिका से उन्होंने लिया है इंपीचमेंट सिमिलर प्रोविजन फॉर इंपीचमेंट ऑफ गवर्नर बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज सजेस्टेड बाई इसका सही आंसर इन्होंने दिया है पुंछी कमीशन और मुझे लगता है ये सही होगी मैंने रिसर्च नहीं किया जो है वो है यहाँ पे लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि पुंछी कमीशन 2007 में आई थी और सरकारिया कमीशन 1983 में और राज मुन्नार कमेटी जो है डीएमके गवर्नमेंट ने 1969 में बनाया था बड़ा क्यूरियस केस था कि एक स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट असेंबली कमेटी बना देती है तो इस कमेटी के बारे में तो और पढ़ लीजिएगा और इनकी जो रिकमेंडेशंस है वो सब भी थोड़ा बहुत आपको जानना चाहिए जैसे राजमुंदार कमेटी ने एबोलिस करने का दे दिया था बहुत रेडिकल कि ऑल इंडिया सर्विसेज को एबोलिस कर दो गवर्नर का पोस्ट को एबोलिस कर दो और कई सारे आर्टिकल लाइक like 356 को एबोलिस कर दो पुंछी कमीशन आप यहाँ देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि इंपीचमेंट का प्रोसेस लाया जाए गवर्नर के लिए सरकारिया कमीशन ने भी गवर्नर के रोल पे काफी चीजें कहा था इन दोनों कमीशन का लगभग यह कहना था कि गवर्नर का पोस्ट पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए और उसको पॉलिटिकल एजेंट के तौर पे काम नहीं करना चाहिए लोकसभा लोकसभा हैड द शॉर्टेस्ट तो वो जो कि uh, अटल बिहारी वाजपेयी की थी 1998, uh, में जो तेरह महीने शायद सरकार चला के गिर गई थी वो सब छोटी थी तो, और मुझे लगता है वो बारहवीं थी शायद वो यही है इसका मेमोरी से मैं बोल रहा हूँ चेक कर लीजिएगा विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर ए गवर्नर टू रेफर ए बिल फॉर कंस्टिड्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट ये अभी काफी चर्चा में है आर्टिकल टू हंड्रेड क्योंकि जो पॉकेट वीटो गवर्नर यूज कर रहे हैं जिसपे की सुप्रीम कोर्ट की खासी नजर है उसको लेके ये जो है चर्चा में है इस आर्टिकल के तहत कोई बिल यदि पास भी हो जाए स्टेट लेजिस्लेशर से तो गवर्नर उसको सुरक्षित रख सकता है प्रेसिडेंट के विचाराधीन विचार के लिए

अब देखिए ये मुझे तो पता नहीं था लेकिन ये मैंने नेट पे देखा ये सही है ये जो लाइन लिखी गई है कि लोक अदालत को एक जो है कि जो ऑर्डर है उसको डिक्री ऑफ ए सिविल कोर्ट कहा गया है और उससे उसके अगेंस्ट में कोई अपील किसी कोर्ट में आप नहीं कर सकते वैसे ही बहुत अजीब सी बात है क्यों नहीं कर सकते हैं सिविल कोर्ट का तो किया जा सकता है लेकिन लोक अदालत का नहीं किया जाता क्यों कि मैटर ऐसे होंगे मैट्रीमोलियल फैमिली डिस्प्यूट आर नॉट कवर्ड इन लोक अदालत तो ऐसा नहीं है कि उसके ये नहीं कवर्ड हैं तो शायद Uh, मुझे लगता है अब मैं मेमोरी से मैं बोल रहा हूँ इसको चेक कर लीजिएगा कि ये स्टेटमेंट तो वन तो सही है टू सही नहीं है तो यहाँ चूंकि करेक्ट है तो वन केवल करेक्ट है आप चेक कर लीजिएगा मैं मेमोरी से क्योंकि बोल रहा हूँ ये वाले को स्टेटमेंट को विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन एंड ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ये बहुत आसान है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो केवल छह स्टेट में है उसको क्रिएट करने का और एबोलिस करने की जो बात है आर्टिकल वन सिक्सटी नाइन में और पार्लियामेंट कर सकती है यदि स्टेट असेंबली ऐसा रिजोल्यूशन पास करके उन्हें दे तो ग्राम न्यायालय एक्ट कब इन्फोर्स हुआ था मुझे नहीं पता आप चेक कर लीजिएगा नेट पे हाउ मेनी ग्राम पंचायत आर इन उड़ीसा मैं इसको छोड़ दे रहा हूं आपके लिए विच वन बिलो इज नॉट ए कंपल्सरी फंक्शन ऑफ अर्बन लोकल बॉडी इन उड़ीसा अब उड़ीसा के संदर्भ में है तो वहां पे जो है ये नहीं है मैंडेटरी कि वो पेड़ के पेड़ लगा लगाएंगे रोड के किनारे लेकिन ये मैंडेटरी है रेगुलेटिंग ऑफेंसिव डेंजरस ट्रेड एंड प्रैक्टिस तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन आप उड़ीसा से हैं तो शायद आप इसको पकड़ सकते हैं सो ओके डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको थैंक्स देने से पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि मैंने डी 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 लगाया है अर्बिट क्वेश्चन लगाया है मुझे लगता है कि दस मैंने लगाए होंगे और पांच आप और ले लीजिए तो फिफ्टीन क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट आर्बिट है इसमें तो सारा जो गेम है वो एट्टी के बीच का है और मुझे लगता है कि जिस तरह का क्वेश्चन था कि जो मेरे स्टूडेंट जो मुझे फॉलो करते हैं सेवेंटी से ऊपर जरूर लाएंगे वही इसका जो है एक जोन है कंप्लीट करने का मेरे अनुसार से गुड विषेज जिन्होंने भी इस एग्जाम को दिया है एंड थैंक्स फॉर वाचिंग और फिर से आपको याद दिलाना है यदि आप नेट जे दिसंबर 2023 के मॉक पेपर को अटेंट करना चाहते हो और अपने चांसेस को बूस्ट करना चाहते हैं या आप सी यू के का जो एग्जाम जो मार्च में होने वाला है उसकी बेस्ट वे में तैयारी करना चाहते हैं एक बहुत ही ब्यूटिफुल जर्नी करके मेरे गाइडेंस में तो इन दोनों के लिए आप अपना नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर इस मेल आईडी पे भेज सकते हैं आपको गाइड की जाएगी और इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं एक बार फिर से मेरे उन सभी ओडिशा के स्टूडेंट को थैंक्स uh, जिन्होंने कि ढेर सारे क्वेश्चन ढेर सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन भेजे आंसर भेजा और इसके चलते मैं रोक नहीं पाया अपने को स्क्वीज करके टाइम इसको बनाने के लिए एंड इस पर मैं जो थोड़े कुछ क्वेश्चन को मैं नहीं देख पाया हूँ तो आपके लिए मैंने थोड़ा टास्क छोड़ा है लेकिन ऑफकोर्स मैंने सारे क्वेश्चन जो आप चैलेंज कर सकते हैं उसको दिखाया है, तो आई होप कि आप लोग इसका फायदा उठाएंगे और सभी और स्टूडेंट भी थैंक्स वंस अगेन और मिलते हैं फिर बहुत जल्द किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए विदा